कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वृष एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्ण। आज एकादशी तिथि है, लगता है सबके सब एकादशी रखे ना सबके सब। हाँ, इसलिए एकादशी जो वैष्णव लोग है, हम लोग और कोई बाहर व्रत नहीं करते, कोई सोम, कोई मंगल, कोई बुध, कोई बृहस्पति हैं, जैसे अलग 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 अगर व्रत रखते हैं, लेकिन हम लोग और कोई बाहर व्रत नहीं रखते, केवल एक एकादशी व्रत रखते हैं। जैसे जगत में कितने देवता हैं, 33 कोटि देवता है। अगर दिन में 1 कोटि देवता का व्रत रख लो ना, 30 दिन में कितना हो जाएगा बताओ तो? 30 करोड़। लेकिन देवता कितने हैं? 33 करोड़ है। फिर 3 करोड़ बाकी रह गए नहीं। इसलिए ये जगत में एक को मनाओ और देखना दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाता है। और हम क्या करते हैं, अगर एक देवा देवी के पास में गया, काम नहीं बना ना, मतलब भैया अमुक जगह पर अमुक देवता हमने सुना बड़े प्रसिद्ध है, चलो वहाँ पर, वहाँ काम नहीं बना, फिर बोलते हैं भैया अमुक जगह में अमुक बाबा है कोई, चल वहाँ पर, काम नहीं बना, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे ही हम भटकते रहे हैं, ऐसे ऐसे हम भटक रहे हैं संसार में हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे ही देवता हैं, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा धर सब कर। इसलिए जो ये एकादशी व्रत है, ये किसका व्रत है, बोलिए भगवान कृष्ण का व्रत है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन आनो बोला। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो एकादशी तिथि है ये किसका व्रत है, बोले माधव तिथि भक्ति जननी, ये जो तिथि है भगवान कृष्ण का तिथि, भगवान माधव का तिथि है। ये बच्चा किसका है, ये बच्चे किसका है, इसको ले जा पीछे, पीछे ले जा उसको। इसलिए एकादशी किसका तिथि है, भगवान माधव का तिथि है। इसलिए भागवत में बताए, जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष का जड़ में पानी दो ना, तुम्हें अलग कहीं कहीं पानी देने का जरूरत नहीं है, केवल जड़ में पानी दे दो, पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर कोई जड़ में पानी नहीं दे, दिन भर पत्ते को धोते रहे, टहनियाँ को धोते रहे, उसका फल को धोते रहे, फूल को धोते रहे, बता बचेगा कि नहीं बता। अब जड़ में पानी मत दो, दिन भर पेड़ को धोते रहो, पेड़ जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। खाना हम कहाँ देते हैं, खाना हम मुंह में देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मुंह में खाना नहीं दे, आँख में थोड़ा दाल डाल दो, कान में थोड़ा रोटी दे दो हैं, नाक में थोड़ा चावल दे दो, जिंदा रहेगा व्यक्ति, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। कहते ठीक उसी तरह, कहते जो भगवान कृष्ण हैं, इसलिए इनका नाम एक अच्युत है। अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी च्युत होता ही नहीं, इसलिए भगवान का नाम ये अच्युत है। इसलिए भागवत में बताए, जब हम भगवान कृष्ण को शरण में आ जाए, फिर तो हमें इधर उधर किसी को पास में भटकने का कोई जरूरत नहीं, इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अगर तुम मोदी को पास में चला गया ना, फिर जो छोटे छोटे जो मंत्री है, फिर और किसको पास में जाने का जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि ये अगर किसी मिनिस्टर को पता चली जाए भैया ये मोदी का खास आदमी है, तो सबके सब तुम्हारे पीछा छोड़ देंगे। बोले भैया अगर इससे इसका पीछे पड़ो ना, हो सकता है हम अपना नौकरी जाएंगे, क्योंकि ये मोदी का खास आदमी है। उसी तरह जगत का मालिक कौन है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारणम।
समस्त कारण के जो कारण है, अनादि की जो आदि है, जो ईश्वर है, ईश्वर मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह शक्यते, है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, ये भगवान कृष्ण हैं। जब भगवान कृष्ण को शरण में हम चले जाएंगे, फिर हमें दर दर इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं, केवल कृष्ण को शरण में आ जाओ। फिर इतने सारे देवता, इसलिए बोले जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, अरे सबके सब आपके ऊपर में कृपा करने लग जाएंगे, अरे इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए ये जो एकादशी व्रत है, ये भगवान कैमरा चेंज करने का ऑप्शन है, भगवान बैक कैमरा लेने का ऑप्शन है, इसलिए ये व्रत को कैसे करनी चाहिए, कैसे घुमा लेना, बोले जतन पालन, ये व्रत को हमें जतन पूर्वक करनी चाहिए। देखो एकादशी 26 एकादशी 12 महीना में 26 एकादशी, जब आप एकादशी की महिमा पढ़ते हैं, एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो व्रत रखने पर माँ लक्ष्मी बड़ी कृपा होती है। एक एकादशी का नाम मुक्तता, मतलब जो एकादशी व्रत करने पर जीव को मुक्त मिलती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचन, मतलब वो एकादशी कर दो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इसलिए आप देखना पुत्रता, जिस एकादशी व्रत करने से भक्ति रूपी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगी। आप एक एक एकादशी कथा सुनो, एक एक एकादशी पढ़ो, सब कुछ एकादशी को तरह तुम्हें सब कुछ मिलेगी। हमारे राजस्थान में एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, इसका प्राण नहीं छूट रही, साल साल तक बिस्तर में पड़े हुए, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, अगर किसी ब्राह्मण को बुला ना, इसको सदगति जल्दी कैसे होगी? ब्राह्मण सबसे पहले बोलेगा, और कोई सोम मंगल बुध बृहस्पति वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तुम लोगों के अंदर में कोई है जो एकादशी व्रत करके इसका फल दे सके, यही एक व्रत का नाम लेगा, केवल एकादशी का नाम लेगा। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा, अभी मैं यूरोप से अहकाल रात में, मैं जब एक बार यूरोप गया था, हमारे भक्त का परिवार एक पिताजी हॉस्पिटल में 2 साल से इस तरह में पड़े थे, उसमें टाटी पेशाब कर रहे थे, प्राण जाकर गला में कर दिया, उस तरह से प्राण नहीं छूट रहा था, बड़ा कष्ट भोग कर रहे थे। मेरे को बुला करके ले गए, बोले बाबा कृपा करो इसको जल्दी कैसे छूट जाए, प्राण छूट जाए। अब फिर हम वहाँ स्वस्थी वासन करवाए, हमने एक बोला एक काम करो, पूरा परिवार मिलकर एकादशी व्रत रखो और इसका फल आप इनको दो। बोले बाबा अभी 10 दिन एकादशी बाकी है, इनका दुख मुझे सहन नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सबके सब एकादशी व्रत करेंगे, तो संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत देंगे। उसी रात उनका सहयोग, उसी रात को एक दिन हमारे गुरु जी भक्तिवेदांत सिंह नारायण गोस्वामी महाराज जब वृंदावन में थे, एक ट्रक से एक गैया की एक्सीडेंट हो गई, उसका हाथ प्यार टूट गया, रास्ता में पड़ा हुआ प्राण नहीं जा रहा है। कोई भी विदेशी भक्त आकर के गुरु जी से बोले, बोले गुरु जी उसका दुख का सब देखी नहीं जा रहा है, गैया के हाथ प्यार टूटा हुआ पड़ा हुआ। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, उसकी कान में जा करके बोल दो, मैं एक एकादशी व्रत करके एकादशी का व्रत उसको खोल दूँ, बोलते ही प्राण छूट गया। इसलिए ये एकादशी की इतने महिमा है, इतने महिमा जो सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जो वैष्णव जन है इधर उधर कोई पाठ व्रत नहीं रखते हैं, केवल व्रत रखते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत रखते हैं। इसलिए लगता है आप लोग तो ज्यादा करके भक्त लोग है, और जो लोग एकादशी व्रत नहीं रख रहे हो आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है। एकादशी की इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये एकादशी है क्या जी, ये एकादशी व्रत हम क्यों रखे? बोले माधव तिथि भक्ति जननी, जननी मतलब होता है माँ, ये एकादशी क्या, बोले ये भक्ति की माँ, मतलब भक्ति को जन्म देने वाले ये एकादशी। बोले भक्ति से क्या होता है, भक्ति करने से क्या होता है,
भगवान खुद कहते हैं उद्धव को, भले ना साधे देवान सांख्यम, भले हे उद्धव मेरे का सांख्य योग कर्म कोई मेरे को वशीभूत नहीं कर सकता है, जथा भक्ति अमर। ये भक्ति को ही जैसे वशीभूत करना है और किसी को भी हमें वशीभूत नहीं होता हूँ, इसलिए सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सजाई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई, दूर जगत के मेवा त्यागे, साध भी दूर धरि खाइयो, साध भी दूर धरि खाइ, सबसे अर्जुन रथ हाको भूल गए ठाकुराइयो, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए सबसे भगवान सूरदास जी कहते हैं कि तरह तरह का वचन है, लेकिन सबसे बड़ा वचन क्या है, जो प्रेम का वचन। ठाकुर जी प्रेम को द्वारा जितने वशीभूत हुए आपको और किसी चीज को प्रसिद्ध नहीं हुए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि की जो एकादशी तिथि है क्या है, तो ये भक्ति जननी, ये भक्ति की माँ है। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति रेव एव नयती, भक्ति रेव एव दर्शयती, भक्ति ही जीव को भगवान को पहुंचाएगा, भक्ति ही जीव को प्रभु दर्शन कराएगा, भक्ति ही जीव को परम शांति कौन प्रदान करेगा, भक्ति। क्योंकि भक्ति मिलेगी कैसे, अगर कोई एकादशी अगर कोई व्रत तो अगर एकादशी व्रत रखना है, बोले एकादशी व्रत कैसे रखनी चाहिए, इसलिए बताए चंद्र ने पालन करें एकादशी को कैसे करनी चाहिए, बोले चंद्र को साथ में पालन करो, बोले चंद्र को साथ में कैसे, महाराज बता रहे थे ना एकादशी को क्या कहते हैं, बोले ग्यारस कहते हैं, ग्यारस कहते हैं, कहते हमारी ये ग्यारह इंद्रियां है, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, और इसका जो मूल है ये मन, ये मन मूल है। अगर मन बोलेगा ना भैया चलो एकादशी मंदिर में चलो, सारे इंद्रियां आकर के कथा में बैठेंगे, अगर मन बोलेगा अरे क्या जरूरत है मंदिर में जाने, चलो ना फिल्म देखने जाएंगे, जैसे दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, क्या होगा सारे इंद्रियां वहीं पर चलेंगे। इसलिए जो मन है यही जितने कहते मान एवं मनुष्य नाम कारण बंधक, यही मुक्ति का कारण, एक मन की बंधन का कारण है, हैं? अगर ये मन को अगर सत्संग में लगा दो, भक्ति में लगा दो, बात मुक्ति का कारण बन जाएगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जतन पालन के एकादशी को ठीक ठीक से पालन करनी चाहिए, बोले कैसे पालन करनी चाहिए, तो शास्त्र में बताए एकादशी से एक दिन पहले एक बार रात मत खाया करो और दिन बार एकदम मत कुछ खाया करो, निर्जला करो, और तीसरे दिन अपना समय के अनुरूप देख करके टाइम से व्रत को पढ़ो, ये नियम है, तब एकादशी का पूरा फल मिलता है। लेकिन हमारे गुरु वर्गों ने देखा कि ये कलयुग का जीव इतने नहीं कर सकते, इतने कर नहीं सकते, अगर उनको बोलो पूरा तीन दिन ऐसे करो ना, फिर तो बोले कोई सेवा करने के लिए बढ़ा देना व्रत है, कुछ नहीं कर सकते, आज हमारी व्रत है जिसके आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो दिन बरस होता रहेगा कुछ करेगा नहीं। लेकिन एकादशी का मतलब होता है ये ग्यारह इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोले देखो एक काम करो, एकादशी का दिन पूरा निर्जला रहने का जरूरत है, कम से कम 12 बजे तक कुछ मत खाया करो, एकदम कुछ मत खाया करो, और उसको बाद में ऐसे नहीं चकाचक पकौड़ा पुरुष सलाह आलू की सब्जी और बादाम और तरह तरह का इतने खा लिया बस जाकर सो गए इस तरह, नहीं इतना नहीं, उतना खाओ जितना खाने से कम शरीर में ताकत आ जाए, और आज का दिन विशेष रूप में ये एकादश इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करना। बोले कैसे करेंगे,
कहते जैसे श्री अम्बरीश महाराज कहते थे भागवत में, ये अम्बरीश महाराज का जो जीवन है एकादशी में कैसे भक्ति करनी चाहिए, इनका जीवन आदर्श है। बोले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बादशाह शिवई को गुणानुवर्णने। बोले मन को क्या करते थे, बोले मन को सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, ये मन को भगवान के चरण में लगाने लगे। बोले पानी को बोले पाचासी वैकुंठ गुणान वर्णने, ये पानी को द्वारा भगवान की कथा बोलते थे। बोले करो पर हरीर मंदिर मार्जन आदि से भगवान की मंदिर मार्जन करते थे। बोले कानों से बोले भगवान की कथा सुनते थे। बोले प्यार से बोले मंदिर परिक्रमा से मंदिर परिक्रमा करते थे। वो एकादश इंद्रियों को संपूर्ण रूप में श्री अम्बरीश महाराज भगवत सेवा में लगा दिया। इसलिए नियम है एकादशी का दिन जितने जितने हम हरिनाम करते हैं माला करते हैं, आज नियम है थोड़ा ज्यादा हरिनाम हो रहा। थोड़ा ठाकुर जी को रोज रोज जैसे श्रृंगार करते थे, आज अच्छे तरह से ठाकुर को थोड़ा पंचामृत लाओ, दूध दही हाँ लाकर तो अच्छे तरह से ठाकुर को थोड़ा अच्छे तरह से सेवा करो, उनको स्नान कराओ, अच्छे तरह से स्नान कराओ, उनका चरणामृत लो, और आज ठाकुर के लिए सुंदर एक फूल की माला ला करके ठाकुर को एक फूल की माला पहनाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी के घर को थोड़ी सी रोज रोज जैसे करते थे आज थोड़ा विशेष करते। जब शादी होता है ना आप कैसे श्रृंगार करके जाते हो, 15 दिन से सोच कर रखते कौन सा साड़ी बन कर जाएंगे, कौन सा सलवार पहन कर जाएंगे, कैसे प्याज की जूता है, जब खुद इतना पहनने के लिए शौक है तो ठाकुर जी का क्या शौक नहीं होता है, आप सोच नहीं सकते हो ठाकुर को सेवा करे तो जो मिलेगा। इसलिए हमारे श्री हरिभक्त ने विलास बताए जो ठाकुर जी को कपड़ा पहनाते हैं सुंदर कपड़ा पहनाओगे उसमें जितने धागा होगा ना उतना कल्पत जीव का वैकुंठ वास होगा। द्रौपदी ने भगवान को क्या दिया था बताओ, भगवान को थोड़ा अपूर्व घट गया ना ठाकुर को, द्रौपदी ने ठाकुर को सामने नए साड़ी को फाड़ करके थोड़ा बैंडेज कर दिया, ठाकुर जी ने क्या दिया, ठाकुर जी रेडी बन गए, ठाकुर जी सोच रहे थे कब समय आएगा ये द्रौपदी का मैं ऋणी उठा लूंगा, कब मेरा समय आएगा द्रौपदी के ऋण, ठाकुर जी सोच रहे थे कई बड़े दस रुपये बाप, जिस समय दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था ठाकुर जी स्वयं वस्त्र भरने कर रहे थे, इसलिए 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ लेकिन 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया। इसलिए नियम है आज एकादशी का दिन ठाकुर को अपना फूल का माला लाओ, हैं बड़ी सुंदर फूल की माला लाओ, ला करके ठाकुर जी को फूल के माला पहना रोज को खाली कुछ पहका देने, कम से कम एकादशी में थोड़ा उनको फूल की माला पहना, देखो ये जो दुनिया है ना इसमें कुछ देने वाले नहीं, कुछ भी देने वाले नहीं, इसकी जिंदगी भर तुम इसकी सेवा करते करते जिंदगी बिता दो, थोड़ी सी कोई भूल चूक हो जाएगा ना झट अपूस आएगा, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया तुमने, खुद जिंदगी भर उसकी सेवा किया, बेटे को जन्म दिया खिलाया पिलाया बड़ा किया बढ़ाया, थोड़ी सी एक कोई चूक हो जाए वो जिंदगी भर याद नहीं करेगा, तो मेरे लिए क्या किया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, उनके लिए इतना करना करें कुछ नहीं करें, इसलिए एकादशी का क्या करो ठाकुर जी को स्नान करो पंचामृत से, ठाकुर को सुनकर कपड़ा पहनाओ, ऐसे नहीं खुद तो दिन में 3 बार ड्रेस को बदलाते हैं लेकिन कभी कभी ठाकुर जी को 15 दिन से एक कपड़ा पहन कर ठाकुर बैठते हैं, 15 दिन से एक कपड़ा, और खुद क्या कर रहे हैं दिन में 3 बार ड्रेस, इसको भक्ति नहीं। जैसे आप हमारे बच्चे को प्यार करते हो या प्यार अंदर में समा जाता है ना बच्चे के लिए कुछ करते हो, बच्चे के लिए कितना कपड़ा पहनाया तुमने, जब जब कोई दिन किया है तब तक नए नए कपड़ा पहना कर पहना, इसलिए जो प्रेम है वो अंदर में नहीं समा जाती है वो अपने आप बाहर प्रकट होता है, अपनी आप बाहर प्रकट होगा। इसलिए आज एकादशी का दिन जितने माला करते हैं उससे ज्यादा माला करना, क्योंकि एकादशी का दिन एक माला करोगे ना 10 माला करने का दिन, आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा कीर्तन करो ज्यादा थोड़ी भक्ति करो मंदिर में आओ, हैं ऐसे नहीं आज एकादशी दोपहर में प्रसाद मिलेगा आगे में
कोशिश करना कि हाँ रोज रोज हरी कथा होता है। इसलिए आज शाम को भी आज हम क्लास यहाँ पर देंगे, आरती के बाद में जगन्नाथ जी के ऊपर भी कथा करेंगे। महाप्रभु कैसे अपना परिक्रम को साथ में कैसे मंदिर में जा करके कैसे मंदिर कैसे महाराज ने करते थे परिक्रम को साथ में, क्यों मंदिर साफ करते थे, इसमें क्या रहस्य है, हम शाम को भी वो कथा हम सुनाएंगे। इसलिए आरती के बाद में सबके सब आना, उस समय शाम को प्रसाद रखना, शाम को भी प्रसाद है, इसलिए कथा का महत्व भी एकादशी का प्रसाद मिलेगा। इसलिए आज एकादशी है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जैसे सत्य युग में क्या था, ध्यान था, कठोर ध्यान करते थे। आप सुने होंगे 10,000 साल 50,000 साल बिना खाए बिना पिए एक जगह पर बैठ करके सर नीचा टांग ऊंचा करके इतने कठोर तपस्या करते थे। भगवान देखा कलयुग जी इतना कठोर तपस्या नहीं कर सकते, युग में रोज रोज यज्ञ करना और यज्ञ के पास में बैठने तो धुआं निकलता था, आग की लपटे कष्ट उसमें, पैसा पर कष्ट। द्वापर युग में ठाकुर जी की अर्चन, बच्चा बच्चे से रोज स्नान कराओ, षोड़श उपचार कर ठाकुर को सेवा कराओ, धूप दीप। इसलिए भगवान ने देखा ये कलयुग में, ये तो सत्य त्रेता द्वापर युग में, बोले कलयुग में क्या तपस्या है, कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय रख दिया, ये जो एकादशी व्रत है ये एकादशी व्रत कलयुग में तपस्या है, हैं? ये एकादशी व्रत तपस्या है क्योंकि ये भगवान की प्रिय तिथि और एकादशी के द्वारा ही भगवत प्रेम और भगवत भक्ति तुम्हें ये एकादशी के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए एकादशी व्रत रखते कि नहीं, कौन कौन रखते हो, ऐसे नहीं मंदिर में आए प्रसाद मिल गया एकादशी व्रत करके घर में जा करके फिर रोटी खा लिए, ऐसे नहीं, हृदय से रखा करो एकादशी व्रत को, एकादशी व्रत को हृदय से रखा करो, एकादशी के द्वारा ही। इसलिए कहते हैं जतन पालन करी, उसको जतन से पालन करो, बोले क्यों, बोले कृष्णा बसती बसती बोली परम आते बोले, एकादशी व्रत क्यों रखेंगे, बोले कृष्ण बसती, कृष्ण कहाँ बैठे हैं, बोले एकादशी व्रत में कृष्ण ये एकादशी व्रत में बैठे हैं और कहीं नहीं बैठे, इसलिए परम आदरे व्रत, इसलिए एकादशी व्रत को बड़ी जतन पूर्वक करनी चाहिए। इसलिए आपको तो बहुत सारी कथा सुनाया है, एक समय पति पत्नी में लड़ाई हो गई लेकिन उनको पता नहीं था कि एकादशी व्रत है, घर पर लड़ाई करता था किसी व्रत करने के लिए उम्र नहीं करेंगे, अगर पति पत्नी से सबर लड़ाई पर दिन भर मान करके दिन भर भूखे रह जाए, पता नहीं एक दिन दो दिन कितने दिन भूखे रह जाते हैं। इसलिए कभी पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई में कभी उन्हें पता नहीं आज एकादशी व्रत, लेकिन निर्जला एकादशी व्रत। राजा रानी एक समय वो जो रुक्मांगद महाराज पहले जन्म में बड़ा दुष्ट था और एक वेश्या को प्रेम करता था, वेश्या देखने में सुंदर थी लेकिन उनको पता नहीं था कि एकादशी व्रत है। उसी दिन क्या हुआ, वो वेश्या को बड़ी तेजी बुखार आई तो उसने खाना नहीं खाए, ये भी दुखी होकर उसकी विरह में ये भी खाना नहीं खाए, बात दोनों कोई निर्जला व्रत हो गया और दूसरी जीवन में राजा रानी बनकर रुक्मांगद महाराज बन गए। अनजान में भी ये एकादशी व्रत किससे हो जाता है, उसका कितने महान फल, अगर कोई चार पूछ करके अगर एकादशी व्रत रखे तो हम सोच नहीं सकते हैं कि एकादशी व्रत की कितने महिमा। इसलिए सबके सब क्या करना, एकादशी व्रत करना, और आज का दिन सबके सब ज्यादा ज्यादा माला करने का, ठीक है, जितने जोरों से माला करते, माला एक नहीं कुछ पास में, कुछ कुछ पास में है और कुछ कुछ नई नई गोभी दिख रहे जिनके पास माला है, सबके सब माला लेकर के सदगुरु से सबके सब हरिनाम करना, ठीक है ना, और आज का दिन ठाकुर को सुनकर स्वीकार करना और ज्यादा ज्यादा करके भक्ति करना। और देखो मुझे लगता है कुछ गुरुदेव का कुछ शिष्य है, भक्त लोग है और किस किस देखा तिलक है और किस किस का तिलक है, रोज तिलक लगानी चाहिए, सवेरे उठ करके सबसे पहला काम है पहले तिलक लगाना, क्योंकि आप लोग हिंदू है आपको पता होगा जैसे कोई अच्छे कोई बिजनेस में जा रहे हैं काम करने के लिए हम क्या करते हैं तिलक लगा लेते हैं, क्यों, ये तिलक क्या है, विजय का लक्षण है,
जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम जैसे बन जाएगा। कोई ब्राह्मण अगर आएगा पूजा कराने के लिए बगैर तिलक के, एक समय कोई एक छात्र महाप्रभु स्वयं टीचर थे, बगैर तिलक के वो छात्र आ गए, महाप्रभु क्लास में बैठने नहीं दिया, उसको निकाल दिया क्लास से, बोले तुमने तिलक नहीं लगा, जाओ तिलक लगा के तो मंत्र जप करते हुए पर क्लास में बैठने नहीं दिया महाप्रभु। इसलिए जैसे आप पतिव्रता नारी को स्त्री आप सदा बना रहे, कोई भी कहते हैं ना अरे दुनिया को थोड़ी दिखाने के लिए तिलक लगाएंगे, अंतर में रखना दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, जैसे दोस्तों तो सदा नदियाँ पर बैठे हो सिद्ध रूप लगाएंगे माँ को भरेगी नहीं, क्यों अंदर में रखना पति को दुनिया को दिखाने के, ये पति कब से हुआ शादी से पहले कोई मतलब था तुम्हारे, बीच में डाइवोर्स हो गया तो घर मर गया तो गया, जब जगत पति के लिए तुम इतने सुख दिखा रहे हो जो दो दिन का पति, तब जो असली पति जो है उसके लिए कितना नहीं करनी चाहिए, इसलिए रोज तिलक लगानी चाहिए। ठीक है देखो यहाँ पर कुछ अंग्रेज लड़कियाँ बैठी, ये बैठी और वो के बैठी, वो देखिए अंग्रेज रसिया से भी आए, हाँ ये रखते हैं सब तिलक लगाए, गलत करती माला आपको कुछ कितना माला करते हैं, कोई कोई 25-25 माला 400-400 माला ऐसे करते, हम तो हिंदू है इसको पूछे एक गीता का कोई श्लोक बोलो कि बच्चों को पूछे कोई कुछ नहीं बता सकता, बताओ कौन सा हीरो का नाम क्या उसको याद है, कौन प्लेयर है कुछ सारे बता देंगे, लेकिन कोई गीता का श्लोक पूछो नहीं बता सकते, लेकिन इनको पूछो कोई गीता का श्लोक हाँ धरा 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 सुनो, पूरा हमारी संस्कृति गीता भागवती हमें उल्टा सुनाते हैं, और हमारी संस्कृति हमारी गीता हमारे मूल ग्रंथ क्या हिंदुओं का गीता है। मैं गया था जयपुर में कथा करने, एक मुसलमान बच्चा था 5 साल का छोटा बच्चा, मैंने उसको पूछा तेरे को कुरान आता है बोलना, एकदम फटाफट बोला, बोले हाँ मेरे बड़े अहंकार के साथ बोला मेरे को कुरान आता है, मैंने कहा बोला तो कुरान क्या, उन्होंने पूरा बोल दिया बाइबल से पूरा कुरान बोल दिया, हमने पूछा उसको तुम लोगों को कितने उम्र से ये कुरान सिखाया जाता है, बोले हमारे धर्म में 2 साल उम्र से ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी 2 साल का बच्चे को, क्योंकि बड़े हो जाते हैं उल्टा पुल्टा करने लग जाते हैं, 2 साल उम्र से कंपल्सरी बच्चे को कुरान पढ़ाना। आप लोग देखे होंगे जब उनका ईद याद है ना मुसलमान का, शनिवार को लोग नमाज पढ़ने जाते थे ना मेन रोड पर बैठ करके टोपी लगा करके, 5 साल का 10 साल का बच्चे टोपी लगा करके ऐसे नहीं मंदिर में बैल बजा करके चले गए जा रहे हैं घट्टी बजा करके, नहीं वो मेन रोड के ऊपर बैठ करके कुरान पढ़ते हैं मुसलमान, उनको कंपल्सरी पिता माता उसको ले जाते हैं, ले जाते हैं भले बच्चे को स्मार्टफोन दे देंगे उल्टा सीधा चीज बच्चों को जिसको बिगाड़ने वाली चीज दे देंगे, लेकिन बच्चों को गीता नहीं पढ़ेंगे, बोले बच्चा गीता पढ़ो एक बात करो एक तो माला जप करके स्कूल में जाओ, ये नहीं कराएंगे जितने गंदी गंदी चीजें बच्चों को दे देंगे ये सब सीख लो, लेकिन धर्मों के ऊपर में हमारी कोई हमारे ममता नहीं है, इसलिए बच्चों को ऊपर में संस्कार डालो, मंदिर में लाओ उनको गीता पढ़ाओ एक 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 तो माला कराओ नियम रखो, स्कूल जाने से माला जप करके तो अपना स्कूल में खा करके जाए कम से कम इतना तो करवाओ बच्चों को, इतने तो संस्कार बच्चों को बड़े डालो बच्चों को ऊपर में, ठीक है ना, इसलिए लेकिन कब करा सकते हो जब भूत बच्चा पहला भूत और पिता माता, पहला गुरु उसके पिता माता, बच्चे किससे सीखे किससे पिता माता से ही सीखे, पहला गुरु पिता माता है ना, अगर स्वयं पिता तिलक नहीं लगाना स्वयं हरिनाम नहीं करना है अगर बच्चे को बोलेगा तो फिर बच्चा करेगा, वो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, अगर पिता माता स्वयं तिलक लगाए हरिनाम करे माला करे फिर बच्चे को भी बोल सकता है तुम भी एक माला कर बैठ गए, और खुद अगर मूवी देख रहे हो दिन भर टी वी खोल करके अच्छी अच्छी पिक्चर देख रहे हो अरे बच्चे तुमसे क्या सीख सकता है, कुछ नहीं सीख सकता, इसलिए पहले पिता माता स्वयं हरिनाम करे भजन करे और बच्चे को ऊपर में भी वो संस्कार बच्चे को ऊपर में भी डाले, हाँ देखो ये वैसे भगवान देते हैं अगर तुम्हारी वंश में एक बेटा अगर प्रभु की भजन में लग गया, देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं बोले कुलम पवित्रम जननी गीतार्था वसुंधरा वसती सधन्या नृत्यति स्वर्गे पितरि पितरे सा जैसा कुले वही स्म
नर नाम होते ये नरसिंह भगवान कह रहे क्या कह रहे हैं जिस समय उन्होंने हिरण्यनाथ को नरसिंह अवतार को गर्व किया बोले प्रहलाद कुछ बरमा दो बोले प्रभु ही एक एक बर दे तो बोले किया बोले बोले पिता को उद्धार करो पिता बड़ा दुष्ट था संतों को आपको सताया आप पिताजी को उद्धार कर दो भगवान कहते तो पिताजी का नाम क्यों कर रहे हो मेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए तुम्हारी 21 पीढ़ी उधार हो गई जिस पिता माता ने तुम्हें जन्म प्रदान की उनका जन्म देना सार्थकता हो गया और जो पूर्वज लोग पहले चले गए नृत्य स्वर्गे उस स्वर्ग में आप जन्म लग जाते हैं और जिस पृथ्वी को ऊपर जन्म लिया वो पृथ्वी भी अपना को धन्य धन्य मानती है ऐसे बच्चे को हमने जन्म कितने लाभ एक बच्चे को भजन में लगाने आप देखो अभी ध्यान दे अगर बच्चे अगर बिगड़ गए तो शराब पीने लग गए मांस खाने लग गए उल्टा रास्ता ले गए इसका फल क्या है एक समय एक योगी उस स्वर्ग में पहुंचा देखा एक जन्म में बहुत पुण्य कर्म किया था पुण्य कर्म करके स्वर्ग में पहुंचा रत्न सिंहासन में बैठा हुआ अप्सरिया उसको चांगर भजन कर रही थी लेकिन वहां बैठ बैठ के रो रहा था बेहोश हो रहा था वो योगी ने पूछा बोले तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आ गया रत्न सिंहासन में बैठे हो अप्सरिया तुम्हारी सेवा कर रही है यहाँ रो रहे बेहोश क्यों हो रहे हम लोग ध्यान देखे सुनो क्या कहना है बोले मैं एक बहुत बड़ा गलती काम कर दिया बोले गलती काम किया बोले पुण्य तो किया दान पुण्य तो किया स्वर्ग में आ गया बोले तो गलती क्या किया बोले बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था उसी पैसा से बच्चे शराब पी रहे उसी पैसा से बच्चे मांस खा रहे उसी पैसा से बच्चे जुआ खेल रहे पैसा कौन छोड़ कर आया था मैंने छोड़ कर आया था और मेरे पैसा को ये दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका जो पाप है मेरे को स्वर्ग में नहीं छोड़ना देखो कर्म का फल कितने जोर जबरदस्ती अगर आपने पैसा कमाया बच्चे गलत रास्ता पर गए तुम्हारी पैसा खर्चा की तो आपको दुख बगल सुख मिलेगा स्वर्ग में तुम्हें सुख मिलेगा ये कर्म की जितनी कहीं का रास्ता इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कर्माणाम कहिना गति ये कर्म मार्ग बड़े कठिन मार्ग है इसलिए स्वयं भजन करो और बच्चों को भी भक्ति के मार्ग खुला और रामायण में जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे इतने में श्री सुमित्रा सुमित्रा का नाम जानते हो सुमित्रा कौन थी लक्ष्मण की भैया इतने में लक्ष्मण अपना सुमित्रा के पास में आता बोले माँ मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा में जाऊँ देखो सुमित्रा क्या कह रही है ये भी समझते ना बोले पुत्र पति जो पति जग सोई जुगत जग सोई जगत में उसी माँ को गर्भ धारण करना सार्थक था बोले कौन सा माँ को बोले रघुपति भक्ति जासूसी तो अगर तुम्हारी बेटा बेटी अगर रघुपति भक्ति अगर भगवान राम का अगर भक्त बने तो तब भी तुम्हारी जन्म बिना सार्थक था है दूसरे लाइन में कहती है अगर बच्चों को भजन में नहीं लगा पाए वो कहती है माँ को बांझ रहना सही बच्चे जन्म मत दो और मना कर दो दूसरी लाइन में बोले क्यों बोले एक में तो गर्भधारण करो फिर प्रसव पीड़ा सहन करोगे मुंह की खाना निकाल कर बच्चों को खिलाओगे कितने कष्ट है कि बच्चे को बड़ा करना आपको पता फिर नर भी जाओगे सुमित्रा कहती है फिर अगर बच्चा गलत काम किया तुमने इतने कष्ट वो किया फिर वो गलत काम किया तो फिर तुम नर भी जाओगे इसलिए दूसरे लाइन में कहती है माँ को काम करना सही है अगर बच्चों को तुमने भजन में नहीं लगा पाए तो इसलिए क्या करना चाहिए पहले स्वयं भजन करें चैतन्य महाप्रभु कैसे रथ यात्रा में अपना भक्तों को लेकर कैसे गुरुचा मंदिर मार्जन करते थे क्यों करते थे इसका क्या रहस्य है शाम को हम क्लास देंगे हम लोग सब आरती गाना और आरती गलाना जी का शासन उसको भक्त भी प्रसाद ठीक है प्रगिता ही गौरव हरि हरि
पिता की गौरव महिमा करते हरि हरि हरि।